हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो जिसमें कि हम ये टाटा हिटाची जेड एक्सेस मशीन 210 2012 मॉडल की है। इसमें एक प्रॉब्लम आया है हमारा, सेंटर ज्वाइंट से इंटरनल और एक्सटर्नल लीकेज है। यहाँ पर ऑयल लीकेज है, देखिए आपको ये इसका जो एक्सटर्नल लीकेज है आपको यहाँ विजुअली दिख रहा होगा, जो ऑयल के ड्रॉप्स टपक रहे हैं। हम इसके इंटरनल लीकेज के सिम्टम्स आपको आगे दिखाते हैं। देखिए इसका टॉप पोर्शन है, जहाँ पर ये टॉप पोर्शन के होस कनेक्ट रहते हैं, उसके बॉटम पोर्शन में भी होस कनेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ये सफाई करा लेते हैं, क्लीनिंग करा लेते हैं, उसके बाद काम इसका चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक जिस किसी भी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फ्रेंड्स जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको टाइम टाइम हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसके इंटरनल लीकेज के सिम्टम्स आपको बताएंगे। तो क्या होता है, जब इंटरनल लीकेज होता है तो एक ड्राइव मोटर को ज़्यादा फ्लो जाता है, एक को कम जाता है। तो ऐसे में इस कंडीशन में जो हमारी मशीन है चलते चलते एक साइड जाने लगती है, तो हमारे ऑपरेटर को बीच मशीन को रोक करके उसको अलाइन करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर अलाइन कर रहे हैं। तो अगर कभी किसी मशीन में ऐसा सिम्टम्स आपको देखने मिलता है, तो आप उस समय सेंटर ज्वाइंट को जरूर से चेक करवा लें। मे भी हो सकता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम आपकी मशीन में भी हो, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो। तो देखिए हमारे वर्किंग प्लेस पर हमारी मशीन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको खोलना चालू करेंगे। ये यहाँ पर देखिए हमारा सेंटर ज्वाइंट का टॉप पोर्शन आपको दिख रहा है, जहाँ पे इसके टॉप पोर्शन के होस कनेक्ट हैं। यहाँ पर हमारे 6 होस कनेक्ट रहते हैं, जिसमें से कि 4 होस हमारे ड्राइव मोटर के रहते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का जो ड्राइव रहता है उसके फॉरवर्ड और रिवर्स कमांड के लिए, और जो एक होस रहती है वो ब्रेक रिलीज के जो पायलट प्रेशर रहता है उसकी होस रहती है, और एक लीक रिटर्न की होज रहती है, जो भी सिस्टम का इंटरनल लीकेज है वो रिटर्न आने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने सेफ्टी का भी पूरा ध्यान दिया है। यहाँ पर हमने काम करने से पहले एनर्जी आइसोलेशन करके पर्सनल लॉक लगा लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको खोलने से पहले मार्किंग जरूर कर लें पंच के द्वारा, ताकि जब भी हम इसको फिट करें तो एज इट इज़ पोजीशन में फिट हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो पोजीशन का या होस कनेक्शन का। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका पंचिंग करके मार्किंग कर लेते हैं। अभी हम इसको आपको दिखाएंगे, तो टॉप पोर्शन दिखा दिया हमने, हम इसका बॉटम पोर्शन भी दिखाएंगे आपको, जिसमें कि 8 होस रहते हैं, जिसमें से कि 4 तो हमारे ड्राइव मोटर के ही रहते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के फॉरवर्ड रिवर्स कमांड के, और 2 होज रहते हैं ब्रेक रिलीज के। इसमें 2 होज ऊपर से सिंगल होज जाता है, नीचे 2 होज में डिवाइड हो जाता है, इंडिविजुअल मोटर के लिए अलग अलग पायलट प्रेशर जाता है ब्रेक रिलीज करने के लिए, और जो लीक रिटर्न रहता है उसके लिए भी इंडिविजुअल हो जाता है, ऊपर से सिंगल होज जाता है, नीचे बॉटम पोर्शन में जा करके 2 होज में डिवाइड हो जाता है इंडिविजुअल मोटर के लिए अलग अलग लीक रिटर्न का। तो फ्रेंड्स, ये इसका टॉप पोर्शन था, मैं आपको दिखाते हैं अभी इसका जो बॉटम पोर्शन है। ये देखिए यहाँ पे 8 होस के बारे में हम आपको बता रहे थे। ऊपर से जो आपको टी पोर्शन दिख रहे हैं, जो ऊपर से सिंगल होस आती है और नीचे जा करके 2 होस में डिवाइड हो जाती है, ये टी पोर्शन वही है हमारे, ये देखिए। और जो बाकी 4 होस हैं हमारे ड्राइव होस हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के फॉरवर्ड रिवर्स कमांड के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका काम क्या है। क्या होता है, जो भी हमारा एक्सकावेटर या इस टाइप की भी स्विंग होने वाली जो भी मशीनें रहती हैं, उनमें 2 पार्ट में रहती है, वो एक अपर स्ट्रक्चर, दूसरा अंडर कैरेज या ट्रैक फ्रेम जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी मशीन हमारी स्विंग होती है उस समय एक दूसरे से दोनों स्ट्रक्चर जो है हमारे अपर और लोअर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो क्या होता है, एक स्टडी रहता है और दूसरा वाला घूमता है। तो क्या होता है, अगर वहाँ पर डायरेक्ट होस कनेक्ट रहेगा तो वो होस ट्विस्ट होकर के डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है। तो फ्रेंड क्या है, इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि स्वाइवल ज्वाइंट, टर्निंग ज्वाइंट, सेंटर ज्वाइंट, रोटरी ज्वाइंट। तो फ्रेंड जैसा कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है इसका वर्क, तो देखिए यहाँ पर हमने इसके चारों बोल्ट खोल करके इसको बॉटम से नीचे ले लिया है। थोड़ा सा हैवी होता है तो उसके हैंडलिंग के लिए हमने इसमें रोप बांध करके धीरे धीरे डाउन किया है, हैंडलिंग के लिए, सेफ हैंडलिंग के लिए। ये होज हमने सारे कनेक्शन खोल के इसके चारों माउंटिंग बोल्ट खोल के इसको डाउन ले लिया है। अभी फ्रेंड्स इससे आगे का जो प्रोसेस है, ये क्लीनिंग होगा, उसके बाद डिसमेंटलिंग होके इसकी रिपेयरिंग होगी, किट चेंज होगा, उसका वीडियो हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। उसका पूरा प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में बनाने पर वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती। तो फ्रेंड्स हम इसको पार्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे जैसे जैसे हमारा प्रोसेस होता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक टाइम टाइम पहुंचती रहे और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।